हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और स्वागत है आप सभी का देव एमटीआर में। आज आपके सामने है होंडा लीबो 110 बीएसएक्स का डिस्क ब्रेक टॉप मॉडल। इस बाइक में कंपनी ने कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज की डेट में इसकी ऑन रोड कीमत कितनी है, क्या क्या फ़ीचर्स मिल जाते हैं और फेस्टिवल सीजन में इस बाइक पर अभी कितने रुपए का कैश का डिस्काउंट चल रहा है, जानते हैं इस वीडियो तो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बाइक के फ्रंट लुक से। तो इसका जो वाइजर है वो आपको टोटल ब्लैक कलर में मिल जाता है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है और साइड में कोई भी ग्राफिक्स नहीं दिया गया है। हेलोजन इंडिकेटर दिए गए, बाकी 35x35 वाट का हेलोजन बल्ब मिलता है मेन हेडलाइट में, जिसमें लो बीम और हाई बीम भी शामिल हैं। चाबी ऑन होती है, इसकी हेडलाइट ऑन होती है, जैसा कि इसमें ऑलवेज हेडलाइट ऑन का सेटअप मिलता है। यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगी और टेलीस्कोपिक टाइप के फ्रंट में सस्पेंशन दिए हैं, दो नॉन रिफ्लेक्टर। और यहाँ पर आगे वाला जो मडगार्ड है वो काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी का है। बाकी यहाँ पर आपको 240mm की डिस्क मिलती है, जिसमें निफिन के यहाँ पर आपको कैलिपर मिल जाते हैं और 80/118 के यहाँ पर आपको मिलते हैं ट्यूबलेस टायर 18 इंच के ब्लैक कलर के अलॉय के साथ। इंजन की तरफ चलते हैं तो इस बाइक में आपको सेल्फ के साथ किक स्टार्ट भी दिया है, बाकी होंडा की ब्रांडिंग। ये है ब्रेक पैड, 163mm का ग्राउंड क्लियरेंस और इसका जो कैटलिटिक कन्वर्टर है वो ओपन है। यहाँ पर स्पार्क प्लग फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आती है, यहाँ पर ऑक्सीजन सेंसर दिया गया। बाकी ये है इसका चैसिस, इसमें 109.51 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वाल्व FI इंजन दिया है, जो 8.79 PS की पावर देता है 7500 RPM पर और 9.30 Nm का टॉर्क पैदा करता है 5500 RPM पर। 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास इसमें आपको टॉप स्पीड मिल जाती है। बाकी इसका जो इंजन है वो काफ़ी रिफाइन है, जो काफ़ी लंबे समय तक आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। और यहाँ पर लीबो का स्टिकर, नीचे ESP की ब्रांडिंग मिलती है, डुअल टोन यहाँ पर साइड बॉडी के पैनल मिलते हैं, बाकी न्यू डिज़ाइन के ग्राफिक्स मिलते हैं। जैसा कि नीचे में आप देख सकते हैं, लीवो का जो बड़ा सा यहाँ पर ग्राफिक्स दिया गया 3-टोन कलर के साथ। बाकी यहाँ पर होंडा का 3D में लोगो है, यहाँ पर फाइबर बॉडी का फ्यूल टैंक का काउल मिलता है। बाकी फिट एंड फिनिश की बात करें तो प्रॉपर यहाँ पर आपको फिट एंड फिनिश मिल जाती है और 9 लीटर यहाँ पर आपको पेट्रोल टैंक मिलता है, जिसमें इसके पेट्रोल टैंक में 9 लीटर पेट्रोल आता है। ब्लैक कलर में इसकी हैंडल बार दी गई है, जिसके सेंटर में होंडा की ब्रांडिंग और सेमी डिजिटल इसमें कंसोल दिया गया है, जिसके साइड में स्पीडोमीटर मिलता है एनालॉग में और यहाँ पर इकोनॉमी जोन मिलता है। अगर आप इस जोन में बाइक को चलाते हैं तो 65 से 70 का इसमें आपको माइलेज मिलेगा। यहाँ पर गियर इंडिकेटर, हेडलाइट, टर्न इंडिकेटर और चेक इंजन की वार्निंग लाइट ऊपर की साइड में देखने को मिल जाती है। बाकी नीचे वाली जो डिस्प्ले है इसमें आपको मिलता है डिजिटल फ्यूल गॉज मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, ओडोमीटर ट्रिप मीटर मिल जाता है। बाकी यही इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें आपको फीचर्स नहीं मिलते हैं। इसके मुकाबले पैशन एक्सटेक जो बाइक है, इससे काफ़ी ज़्यादा फीचर्स उसमें दिए गए। बाकी कुछ इस तरह की होंडा की ब्रांडिंग के साथ की मिल जाती है, नॉर्मल मिरर मिलते हैं और यहाँ पर अपर डिपर के साथ इसी में आपको पासिंग का बटन मिल जाता है, कुछ इस तरह ये काम करता है जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं। और नीचे में इंडिकेटर और हॉर्न, इसके दूसरी साइड में इंजन किल और सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है। चलिए अब मैं आपको इसके साउंड को भी चेकआउट करा देता हूँ। इसके सीट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो इस बाइक में आपको काफ़ी लॉन्ग सीट मिलती है, काफ़ी लंबी सीट मिल जाती है, जिसमें आपको पिलियन और राइडर के लिए काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलता है। 790mm की सीट हाइट और सीट काउल के ऊपर में डुअल टोन बॉडी कलर के ग्राफिक्स मिलते हैं और इसका जो बॉडी कलर है वो टोटल ब्लैक में है और पीछे में हाइड्रोलिक टाइप के एडजस्टेबल सस्पेंशन दिए गए हैं, जिनको आप खुद से भी ऊपर उठाकर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पीछे वाला जो टायर है और आगे वाला जो टायर है वो आपको सेम प्रोफाइल का मिलता है, 80/118 का, जो कि ट्यूबलेस है, जो कि TBS कंपनी के दिए गए। पीछे में 130mm की ड्रम ब्रेक मिलती है कॉम्बी ब्रेकिंग के सेटअप के साथ। यहाँ पर क्रोम दिया गया है, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर और यहाँ पर मैट ब्लैक कलर आपको मिलता है। यहाँ पर एडजस्टेबल फुटरेस्ट दिए गए। अगर आप इसकी पीछे वाली ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो इसकी आगे वाली ब्रेक भी एक साथ अप्लाई होती है। बाकी पीछे की साइड से आप इसके प्रोफाइल को भी देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लैक कलर का ग्रैब हैंडल, होंडा की ब्रांडिंग, हेलोजन टेललाइट मिलती है नॉर्मल हेलोजन बल्ब के साथ और नॉर्मल हेलोजन बल्ब इंडिकेटर, नीचे में रिफ्लेक्टर दिए गए। इस बाइक में आपको ESP टेक्नोलॉजी के साथ साइलेंट स्टार्ट विद ACG सिस्टम मिलता है। यहाँ पर लेडी पिलियन के कंफर्ट के लिए आपको ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड मिल जाता है, यहाँ पर एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिलते हैं और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का चेनसेट कवर दिया गया, जो कि प्लास्टिक में है। बाकी यहाँ से आप इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, जैसे कि चेन टाइट कराते समय आपको 1 इंच लूज रखनी है और यहाँ पर
जो चेन है वो आपको पेट्रोल से कभी भी साफ नहीं करना है। यहाँ पर लीवो का स्टिकर, होंडा का 3D में लोगो, बाकी यहाँ पर आपको मिलता है 4-speed गियर बॉक्स। इसमें आपको 5 गियर नहीं मिलते हैं, इसमें सिर्फ आपको 4 गियर मिलते हैं। बाकी साइड स्टैंड के ऊपर आपको इंजन कट ऑफ का सेंसर फीचर्स मिल जाता है। जैसे कि साइड स्टैंड को मैंने अभी इसके डाउन कर दिया है। सबसे पहले मैं बाइक को स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप बाइक को स्टार्ट करते हैं, साइड स्टैंड डाउन होता है, तो बाइक को क्लच दबाते ही जैसे ही आप गियर डालते हैं, इंजन इसका तुरंत बंद हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। तो अब बात करें इसकी प्राइस और डिस्काउंट ऑफर के बारे में, तो होंडा लीबो डिस्क ब्रेक की एक्सोरूम कीमत है 80,557 रुपये, ऑन रोड कीमत है 96,780 रुपये, और होंडा लीबो ड्रम ब्रेक की एक्सोरूम कीमत है 76,557 रुपये, ऑन रोड कीमत है 92,375 रुपये। डिस्काउंट ऑफर की बात करें तो दुर्गा पूजा फेस्टिवल से लेकर दिवाली के महीने तक आपको जो है वो 2000 का कैश का डिस्काउंट होंडा के स्कूटर और बाइक पर अभी की डेट में चल रहा है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है वो होंडा क्लाउड 9 जयसो रोड कोलकाता शोरूम में विजिट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।